A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Peringre. On behalf of the whole Etesian family, I welcome you all to today's session. Today, we'll be discussing about NDA exam, that stands for National Defense Academy, which stands with the motto service before self to get into admission into various services in the Air Force, Army, and Navy. Okay, so without wasting any further time, let's see what we have to do to get into this examination. So NDA is a national level defense examination entrance test which is conducted by UPSC, that is Union Public Service Commission, twice a year. So this exam is conducted twice a year by UPSC to get into the various cadres such as Army, Navy and Air Force. Okay. So this is an examination which is conducted to decorate the candidates for Army, Navy and Air Force wings of Indian Naval Academy course, that is INAC and National Defense Academy. So jo NDA wala exam hota hai wo ek national level examination hai jo saal mein do baar UPSC conduct karwati hai, jisse ki jo candidates hote hain wo Army mein, नेवी में और एयरफोर्स में INAC दैट इज इंडियन नेवल अकेडमी कोर्स और NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी में जाते हैं. ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 22 दिसंबर को आ गया था और सबमिट अपने एप्लीकेशन होपफुली कर दिया होगा. January 11 वॉज द लास्ट डेट. एंड इफ़ यू हैव मिस्ड इट, अगेन आएगा एग्जामिनेशन इस साल टुवर्ड्स द एंड, जिसमें आप फिर से फिलअप कर सकते हो. सो NDA 2 होगा, सो साल में दो बार होता है. नाउ ये जो एग्जामिनेशन होता है वो दो स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है. द फर्स्ट स्टेज जिसमें कि आप रिटन टेस्ट करते हो, एंड दूसरा जो होता है दैट इज़ SSB जो कि एक इंटरव्यू है. ठीक है, सो इफ़ यू हैव क्लियर द रिटन टेस्ट देन यू कैन सिट फॉर द इंटरव्यू. ओके, एंड रिटन एग्जामिनेशन जो होता है वो दो मीटिंग्स में होती है, वन फॉर गेट एंड द अदर फॉर मैथमेटिक्स. ठीक है, तो पहला वाला जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है और दूसरा वाला जो पेपर है वो मैथमेटिक्स है. तो रिटन एग्जाम फिर दो पेपर्स में होता है, दो मतलब दो बार में होता है, एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर आता है और एक मैथमेटिक्स की पेपर आती है. इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर द पेपर, सिलेक्टेड फॉर दिस NDA एग्जामिनेशन, अगर आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर दिया और उसके बाद अपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, देन इसकी ट्रेनिंग पीरियड 3 ईयर्स की होती है, 3 साल की इसकी ट्रेनिंग पीरियड होती है. उसके बाद आपको ऑफिसर्स कार्डर डिफरेंट डिफरेंट ये में मिल जाता है. नाउ इसमें क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ NDA आपको पता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी एग्जाम कंडक्ट करती है UPSC, साल में दो बार होता है. ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है वो एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है. एंड ये जो होता है अनमैरिड जो होता है, ठीक है, अनमैरिड मेल या फीमेल कैंडिडेट्स जो कि 12th स्टैंडर्ड जिन्होंने क्लियर किया है, एवरीबॉडी हू हैव क्लियर 12th एग्जामिनेशन 12th बोर्ड, दे आर एलिजिबल टू सिट फॉर द पेपर. ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, यू मस्ट बी क्लियर विद द 12th पेपर, उसके बाद आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन होता है, फी सबमिशन पे आपको ऑनलाइन ही करना है, बट पेपर जो होता है वो ऑफलाइन होता है. ठीक है, और दो पेपर होता है, रिटन पेपर्स आपको दो मिल जाएंगे, पहला मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड का. ठीक है, दोनों पेपर्स 2 hours 30 minutes का होता है. एंड बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप देख सकते हो एग्ज़ाम सेंटर्स 75 सेंटर्स हैं, उसमें से जो सेंटर्स आपके नियर बाय हैं आप वहाँ जाके अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हो. तो दो पेपर्स आपको मिल जाएंगे, एक रिटन टेस्ट में दो पेपर्स मिलेगा, एंड इफ़ यू हैव क्लियर बोथ द पेपर्स कट ऑफ दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड फॉर जनरल एप्टीट्यूड, देन यू एलिजिबल टू अपीयर फॉर द SSP इंटरव्यू. और इंटरव्यू क्लियर करते ही आपको 3 साल की ट्रेनिंग में भेज दी जाएगी. तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है वही UPSC वाला, जो UPSC एग्जाम अगर आपने दिया हो तो आपको पता होगा, तो जो है www.upsc.gov.in में आप जाकर इसकी लॉगिन कर सकते हैं. नाउ एज रिलैक्सेशन और लिमिट्स क्या होते हैं देख लेते हैं. तो NDA जो पहला एग्ज़ाम इस साल हो रहा है उसके लिए कैंडिडेट जो का एटलीस्ट मिनिमम 2003 में बॉर्न होना चाहिए, नॉट बिफोर दैट. ओके, एंड नॉट आफ्टर 2006. तो इफ़ यू आर बॉर्न इन बिटवीन 2003 एंड 6 यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन द फर्स्ट फेज. ओके,
एंड जो दूसरा वाला एग्ज़ाम होगा वो वाला 2004 वाले कैंडिडेट्स और 2007 वाले कैंडिडेट्स जो होंगे वो दे सकते हैं, उसके बीच वाले। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होना मस्ट है, आजकल तो होता है, तो उसमें लिखा होगा। देन योर एज इज़ अ मस्ट, इज़ अ प्रूफ चाहिए। ठीक है, और कोई प्रूफ नहीं चाहिए, बस आपका 10th स्टैंडर्ड में आपका एज डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, दैट इज़ अ प्रूफ थ्रू विच यू कैन अप्लाई फॉर दिस एनडीए एग्जामिनेशन। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, बस 12th पास होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, एंड इफ़ यू हैव 12th पास फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड CBSE एंड ऑल, देन यू आर एलिजिबल टू एंटर इनटू सर्विसेज। ओके, आप एग्जाम दे के आराम से आर्मी विंग में जा सकते हो। एंड उसके साथ साथ जो होता है, अगर आपको बस आर्मी विंग में जाना है यानी NDA में जाना है, तो यू मस्ट बी 12th पास। और अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में जाना है, अगर आपको आर्मी में जाना है, आर्मी थल सेना में अगर आपको जानी है, तो आप बस 12th पास हो सकते हो। लेकिन अगर आपको नेवी में जाना है और एयरफोर्स में जाना है, एयरफोर्स और नेवी के लिए जो होता है, जो 12th वाला बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पक्का पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, या फिर 12th में कोई एक सब्जेक्ट उसका होना चाहिए, बिकॉज पैटर्न में होता है। ठीक है, तो आर्मी वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बट नेवी और एयरफोर्स वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री PCM एज अ सब्जेक्ट इज अ कंपल्शन। ओके ओके, सो दिस वन इज दी, दिस इज अ पेपर, ये मैथमेटिक्स के आपके पेपर है। पहली वाली पेपर 2.5 आवर्स की होती है, जो 300 मार्क्स की है। ठीक है, उसके बाद उसमें और भी पेपर्स पार्ट वन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन फाइंड। उसके बाद आपका दूसरा जनरल एबिलिटी पेपर आता है, जिसमें इंग्लिश आ जाएगी आपकी, जो 200 मार्क्स की होती है, और जनरल नॉलेज बाकी सब जो होता है। आप देख सकते हो कितना हो गया, ये 100 है, ये 60, ये 100, ओके दिस इज़ 80, ओके ऑल राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल नॉलेज पेपर होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, जनरल साइंस होगा, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट एट्सेट्रा, ज्योग्राफी होगा, करेंट इवेंट्स होगा। सो ये सब मिला के जो है 600 मार्क्स का फिर 2.5 का पेपर्स होगा। सो दिस इज़ द पैटर्न फॉर मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी। तो देखो सारा सेक्शन आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, GK आ रहा है, GS आ रहा है, साइंस आ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का पेपर है। सो नीड टू बी वेरी मच थरो विद द पैटर्न इन ऑर्डर टू क्लियर द पेपर। ओके, सो आई होप कि ये छोटा सा सेशन था NDA एग्ज़ाम के बारे में, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि वेरियस कैंडिडेट्स लेती है इनटू द सर्विसेज ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स फॉर टेस्टिंग इनटू द एक्सट्रीम वैलर ऑफ अ कंट्री। सो अगर आप सर्विस करना चाहते हैं इन दैट ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स और देश को सर्व करना चाहते हैं, देन NDA के थ्रू आप कर सकते हैं। Just after 12th, you can appear the paper, you can give SSB, जो कि after the written examination, if you clear the paper, then आप SSB दे सकते हैं, and there you go, you can serve our country, okay? So, NDA 1 notification is already out, and not only that, exam का form भी खत्म हो चुका है, so if you have missed it anyhow, you can go into the second examination of NDA, जो कि towards the end almost आएगा, keep checking the site of UPSC, जिससे कि आप फिर से एलिजिबल होके वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर एलिजिबल बिफोर फिलिंग द फॉर्म, मेक श्योर दैट यू आर एलिजिबल फॉर द पेपर। इफ़ यू आर बॉर्न इन बिटवीन 2003 एंड 6, यू आर एलिजिबल फॉर द पेपर ऑफ NDA 1, एंड इफ़ यू आर बॉर्न इन बिटवीन 2004 एंड 7, यू आर एलिजिबल फॉर द NDA 2। सो जस्ट चेक आउट द एलिजिबिलिटी एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द पेपर। ओके, all the best for all the students who are appearing for the paper of NDA this time. Okay, with that hope I'm signing off. I'll be seeing you next in the next session with a new topic again. Till then, have a good day and good day, keep smiling, bye.